नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक फ्लोर लैम्प बनाऊंगी, वो भी पुराने रिंग लाइट स्टैंड से। मैंने घर पे अवेलेबल सामान का यूज़ किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा DIY। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो एम्ब्रॉयडरी हुप्स लिया है। 12.5 इंच वाला लिया है मैंने। आप अपनी चॉइस का कोई भी हुप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा छोटा कोई भी। इसको मैं फेविकॉल से जो आउटर बड़ा वाला पार्ट है उसको चिपका देंगे। एक कार्डबोर्ड लेंगे सर्कुलर शेप में, उसमें ये जो बल्ब होल्डर के साइज का लेके इस तरह से काट लेंगे। इसमें ये फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले यूज़ कर रही हूँ। कार्डबोर्ड पे इस तरह से लगा देंगे। और इसके ऊपर स्क्यूअर्स, बैम्बू स्क्यूअर्स का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहें तो स्टील का भी यूज कर सकते हैं। फिक्स कर देंगे नाप के सेंटर में, फिर कटर के हेल्प से इसको कट कर लूंगी। इस तरह से देखिए चारों स्क्यूअर्स को कट कर लेंगे और क्ले से इस तरह से लगा देंगे और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट रख दीजिएगा। फिर जो स्टैंड है मेरा वो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, इसमें ये रिंग लाइट जो लगा हुआ है ये अभी काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। और इस ये जो पोर्शन है ये मेटल का है, तो यहाँ पे हम वायर साइड से पास करेंगे, डायरेक्ट रॉड से पास नहीं होगा, जिसके लिए फिर से मैंने फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले ही यूज इस तरह से लगा देंगे। जो बल्ब होल्डर है इसको फिक्स कर दूंगी क्ले से ही। ये देखिए, इस तरह से क्ले से मैंने ये पत्ते शेप का भी डिज़ाइन थोड़ा सा बना लिया है। इस ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं या ना बनाएं, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। इसको हम जो रॉड है हमारा उस पे लगा देंगे तो ये एक ब्यूटीफुल सा शेप दे देगा। ये से 5 से 6 मैंने बनाया है और इसको ड्राई होने के बाद लगाएंगे। जब तक ये ड्राई होता है मैंने ये प्लास्टिक सीट लिया है, इसको मैंने काट लिया है इस तरह से। आप अपने जैसा भी शेप चाहिए उसी शेप से काटिएगा। फिर मेरा ये शीट थोड़ा सा छोटा हो रहा था तो मैंने ये 2-way टेप इस तरह से सेंटर में लगा दिया है, और जो एक्स्ट्रा शीट है उसको उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये 2-way टेप से ये एकदम से पता नहीं चलेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद मैंने जूट फैब्रिक का यूज़ किया है। वो जो प्लास्टिक शीट पे जूट फैब्रिक को इस तरह से फेविकॉल से लगा देंगे दोनों तरफ से। देखिए इस तरह से लगाते जाएंगे, पूरे शीट को कवर कर देंगे। एम्ब्रॉयडरी हुप को जो जिसके साथ हमने स्क्यूअर्स को लगाया था वो ड्राई हो चुका है, उसको इस तरह से रोल करते जाएंगे इस प्लास्टिक शीट के ऊपर, और लास्ट में इस तरह से फेविकॉल से दोनों एंड्स को लगा देंगे। तरह से कुछ दिखेगा। ये देखिए दोनों साइड के हुप्स मैंने लगा दिए हैं। इसको इस तरह से स्टैंड पे लगा देंगे। ये देखिए फिक्स हो गया ये, पर ये थोड़ा सा हिल रहा है जिसके वजह से मैंने इसको इस तरह से फेविकॉल लगा दिया है स्टैंड पे, और इसको इस तरह से फिक्स कर दूंगी। मैंने इसको फिक्स किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें या फिर डिटैचेबल भी रख सकते हैं। फिर हम ये ब्लैक कलर से ये जो पत्ते मैंने बनाए थे उसको मैंने रॉड पे लगा दिया है, और एक फिनिशिंग लुक देने के लिए इस पे इस तरह से कलर कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, पर कलर करने से थोड़ा सा सुंदर लगेगा। और जो स्क्यूअर्स है उसको भी मैंने कलर कर दिया है। ये देखिए इस तरह से लुक आ रहा है।
तो कैसी लगी मेरी ये DIY मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और न्यू DIY के साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।